दोस्तों, यह एक 4 साल पुराना स्मार्टफोन और ये आज भी बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखता है क्योंकि इसमें लगा हुआ है कर्व डिस्प्ले, जिसकी वजह से इसकी सुंदरता में किसी भी तरीके का कमी हमें देखने को नहीं मिलता है। और ये डिस्प्ले देखने के बाद मैं ये सोच में पड़ गया कुछ देर के लिए कि आखिर एक कर्व डिस्प्ले ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है या एक फ्लैट डिस्प्ले। तो आज हम लोग ये साइड बाई साइड दोनों में कंपेयर करेंगे कि एक कर्व डिस्प्ले ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है या एक फ्लैट डिस्प्ले। चलिए हम लोग इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपको और भी वीडियो देखना है कुछ इसी टॉपिक पे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कर्व डिस्प्ले की फ़ायदे की। तो यहाँ पर फ़ायदा सबसे पहले ये है कि ये बहुत ही एट्रैक्टिव दिखता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। मतलब कि डिस्प्ले देखोगे तो इसको यूज़ करने की दिल करेगा और यूज़ करने का मन करेगा। तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और यूज़ करने में काफ़ी ईजी होता है। यहाँ पर जो भी कॉन्टेंट आप देखोगे, यहाँ पर जो भी वीडियोज़ आप देखोगे, जो भी फ़ोटो देखोगे, वो काफ़ी यहाँ पर बेहतर तरीके से आप देख पाओगे। यहाँ पर कंपेयर करें एक फ्लैट डिस्प्ले से तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस और किसी भी तरीके का यहाँ पर फ़ोन में कोई भी अगर काम कर रहे हो तो काफ़ी आसानी से आप कर पाओगे और काफ़ी अच्छा दिखता है, मज़ा भी आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप एक कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं या फिर यहाँ पर लेने वाले हैं नया स्मार्टफोन कर्व डिस्प्ले वाला, तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। सबसे पहले बात, जो भी हम लोग इसमें बैक कवर यूज़ करते हैं, स्क्रीन हमारा पूरा तरीके से कवर नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर फ़ोन गिर भी जाता है तो यहाँ पर टूटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये स्क्रीन टूट जाता है यहाँ, क्योंकि इसके ऊपर में किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं रहता है। जैसे कि हमारा फ्लैट डिस्प्ले है, वो बैक कवर यूज़ करने के बाद पूरा स्क्रीन कवर हो जाता है, पूरा डिस्प्ले कवर हो जाता है, तो वहाँ पर टूटने का चांस कम रहता है। लेकिन ये कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन टूटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर गलती से एक बार स्क्रीन टूट जाए तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगता है उसको रिप्लेसमेंट कराने में, स्क्रीन को चेंज कराने में। तो ये जो एक कमी है इसका, ये एक कमी है। दूसरा कमी ये है कि इसका आसानी से टेम्पर ग्लास नहीं मिल पाता है, यानी कि फ्लैट डिस्प्ले स्मार्टफोन में कहीं पर भी जाओगे तो टेम्पर ग्लास आसानी से मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका टेम्पर ग्लास आसानी से मिलता नहीं है, बैक कवर आसानी से मिलता नहीं है। इसके लिए आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा या फिर अच्छा खासा पैसा आपको देना पड़ेगा यहाँ पर इसका टेम्पर ग्लास के लिए और बैक कवर के लिए। तो ये दो प्रॉब्लम है जिसके वजह से यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले अच्छा हो जाता है एक कर्व डिस्प्ले से। इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक फ्लैट डिस्प्ले स्मार्टफोन के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर इंडिया में ज़्यादातर लोग इसी स्मार्टफोन के यूज़ करते हैं जिसका डिस्प्ले फ्लैट हो। इसके बेनिफिट के बारे में बात करें तो इसका टेम्पर ग्लास आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा कहीं पर, और इसका बैक कवर भी आसानी से मिल जाता है। और अगर ये टेम्पर ग्लास लगाए हैं और बैक कवर भी लगाए हैं और ये गलती से गिर जाता है तो इसमें टूटने का उतना ज़्यादा, क्रैक होने का डिस्प्ले उतना ज़्यादा चांस नहीं रहता है जितना आपको यहाँ पर कर्व डिस्प्ले में डर रहता है। तो ये एक बेनिफिट है इसका। और यहाँ पर नुकसान के बारे में बात करें तो नुकसान कुछ भी नहीं है, दोनों एक डिस्प्ले है, एक ज़्यादा अच्छा दिखता है और एक ज़्यादा मतलब कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है। और दोनों का अलग अलग फ़ायदा है और दोनों का अलग अलग नुकसान है। यहाँ पर अगर एक हाथ में आप एक कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेते हैं और एक हाथ में फ्लैट डिस्प्ले लेते हैं तो दोनों में आपको ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखेगा यहाँ पर कर्व डिस्प्ले वाला, और उसी को आपको यूज़ करने में मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको और बता देता हूँ, फ्लैट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन कम बजट में आता है, मतलब कि उसका प्राइस काफ़ी कम होता है। सेम अगर स्पेसिफिकेशन रहे तो उसका प्राइस कम होता है, और उसी में अगर कर्व यहाँ पर दे दिया जाए तो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में ज़रूर से रखना चाहिए। और अगर आप एक कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेने वाले हैं या एक फ्लैट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेने वाले हैं तो इन बातों को ध्यान में रखिए, तभी आप जाके बाय कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।